चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बोल, जीजी ने जो कहा वो सच है क्या? सुनाई नहीं दिया जो मैंने पूछा? बोल बिट्टो, कह दे जो मैंने कहा सब झूठ है। सांप सुन गया तुझे, बोलती क्यों नहीं? बाबा आप चिल्लाइए मत। लो सुन लो भैया, अब तो छोरी से पूछकर मुंह में जुबान रखनी पड़ेगी। देख विद्या, तू मुझे ज्ञान मत दे, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूं। पर मैंने सुना है कि तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले खुद लेने लगी है। इस छोरे से तू शादी करना चाहती है? नहीं बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर ये कांता का भतीजा दुनिया भर में ढिंढोरा क्यों पीट रहा कि ये तेरे साथ शादी करना चाहता? बोल बिटिया, मंगत तेरा बाप है, तेरा अच्छा और बुरा सोचना इसका काम है। मैंने कहा ना बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और ये बात मैं नलिन से भी कह चुकी हूँ। मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। बस बहुत सुन ली तेरी और तेरी माँ की ये पढ़ाई की चपाई। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुन, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा हूं, शादी करके ससुराल जा। मैंने कहा ना बाबा, मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के दाखिले के एग्जाम दिए हैं। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तुम्हें ये पर्चा देने से पहले अपने बाप से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? है? तेरे बाप की फोटो पे माला चढ़ गई थी या आरती पे फूल चढ़ गए थे? बाबा मैं आपको बस विद्या, बहुत सुन ली तेरी कथा कहानी। अब जो मैं फैसला दूंगा उसे सुन, नहीं करेगी तो कोई इंजीनियरिंग। जल्द से जल्द मैं तेरी शादी कर दूंगा। ये किताबों का टोकरा लेकर के बहुत नाच लिया तुम लोग। बाबा बस विद्या, बस। मुबारक हो गुड़िया, बस अब तो तेरा गुड्डा लेने निकल गया मेरा भाई। थैंक यू वेरी मच अभिमन्यु। थैंक्स? किस लिए? आपके टाइम के लिए। अभी मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी मेरे कहने पर आप यहाँ आए।
उसके लिए छोटा सा थैंक यू। ओके, अब बताइए आप कहना क्या चाहती हैं? कोई खास बात तो नहीं है, बस जब पता चला कि आप भी राजपुरा से हैं, तो आप भी मतलब? बहुत शार्प हैं आप, कुछ भी आपसे बचकर नहीं जा सकता। एंड आई लाइक शार्प गाइस। एनीवेज, मेरी स्टेप मॉम भी राजपुरा से ही है। ओह। और उस दिन आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका एक थैंक्स और एक कॉफी वीडियो थी। अच्छा, वैसे मेरी मॉम को तो जानते ही होंगे आप। क्या नाम है उनका? माया देवी। इसका मतलब आप ओम जी की बेटी हैं। जी, वो मेरे पापा थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। आई एम सॉरी, जो हुआ वो बुरा हुआ। बुरा तो बहुत हुआ, किसी ने उनका खून किया था। और खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ओह गॉड, मैं भी पता नहीं क्यों अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर किए जा रही हूँ। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो? नहीं अभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू शेयर माई थिंग्स विद यू अभी। आप मुझे अच्छे लगे अभी, और मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। कैन वी बी फ्रेंड्स? जी, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कर लेती हैं आप। क्या कर दिया मैंने? इतनी भोली तो आप हैं नहीं जो मेरी सीधी साधी बात भी ना समझ सके। विद्या की बात कर रही हूँ मैं। वो तो तुम विद्या की बात कर रही हो। विद्या तो मेरी बेटी की जैसी है, बस कुछ दिनों की मेहमान है। मंगत गया है उसके लिए लड़का देखने के लिए। कह रहा था अपनी लाडो के जल्दी से हाथ पीले कर दूंगा। शांति मिल गई होगी आपको? बच्चों को भी नहीं छोड़ती ना आप? उनके सर पे प्यार से हाथ रखना तो दूर, उनकी जिंदगी में भी आप कांटे ही बो रही हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि विद्या आगे और पढ़ना चाहती है, और इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए उसने इम्तिहान भी दिया है। मैं जानती हूँ
कि इसका परिणाम अच्छा ही आएगा, लेकिन आप उसकी शादी कराकर, ओह, तू तो खुले घोड़े की तरह दौड़े जा रही है। छोरी जब बड़ी होती है तो उसकी शादी नहीं होती है क्या? तुम्हारी नहीं हुई? या फुल्लो रानी की नहीं हुई? हर एक बात का एक सही वक्त होता है। सही कहा माजी आप, हर बात का एक वक्त होता है, और विद्या की उम्र अभी पढ़ने की है, अपने सपने पूरे करने की है, ना कि शादी करके चूल्हा चौका संभालने की। और फिर आज आप हम इसका साथ नहीं देंगे तो? तेरे और मेरे चिंता करने से कुछ नहीं होगा बन्नो, मंगत बाप है उसका, अरे विद्या का भला ही चाहेगा ना, और वो तो बस अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता है। तुम चिंता मत करो, तू तो बस चार छह अच्छी सी साड़ियां खरीद ले, परसों के बाद बड़े घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं। माजी, मुझे कभी कभी तो शक होता है, क्या आपके अंदर औरत का दिल है? कैसे जी लेती हैं आप इतना जहर सबके लिए अंदर रखकर? वैसे ही बन्नो, जैसे एक नागिन जहर की पोटली गले में दबाई जीती है, और सब जानते हैं कि नागिन अपना बदला नहीं भूलती।